हेलो स्टूडेंट्स, अनुपसर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 2.31 से लेकर पेज नंबर 2.32 तक, जिसके अंदर हम टाइप 4-5 को कंटिन्यूस करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जीरोस का रिलेशन गिवन है, कुछ जीरोस से रिलेटेड रिलेशन गिवन है। जैसे 14, 15 और 16 एग्जांपल हम कवर करेंगे, फटाफट क्विक वे से कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 14 में क्या बात कर रहा है कि कह रहा है अल्फा बीटा जीरोस है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे पॉलीनोमियल चेंज हो सकते हैं, अगर हमका इसका कोई होट क्वेश्चन ले तो उसके अंदर हम पॉलीनोमियल चेंज कर सकते हैं और रिलेशन चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जीरोस है, उनके बीच में एक रिलेशन गिवन है 24, और हमें इससे अगर ये जीरो इसके जीरोस के अल्फा बीटा है तो आप क्या कहोगे, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और बी इसका 4 है और माइनस फॉर्मूले का अपॉन के है इसका ए। अल्फा इंटू बीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो 4 अपॉन के आएगी क्या, देखो यही आ रही है, यस ठीक है। अब हम बात करें अगर इसके अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है, तो इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में आ गया कि क्या कर सकते हो आप क्या कहोगे, सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो ना, पढ़ा था ना हमने ऐसा, अगर तुम कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हो तो तुमने पढ़ा होगा। अब इसमें आप क्यों किया, रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि सर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में इसको सेपरेट करना है, जिससे हमें ये मिला, इससे इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करके के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब भाई इसके अंदर वैल्यू पुट करो, -2 × 4 / k = 24। अब ये देखा 16 / k² हो गया, -4 / 8 / k = 24। अब इसमें से तुमने एलसीएम ले लिया के स्क्वायर, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर के स्क्वायर आ गया, वापस से एक पॉलीनोमियल आ गया, मींस के की टू वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। इसका मीनिंग यही हुआ ना, के की टू वैल्यूज, क्योंकि पॉलीनोमियल करते तो उसके अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगा, उसके टू जीरोस होते हैं, टू जीरोस होने का मतलब वैल्यू टू आती है के की या एक्स की, जिस पे भी डिपेंड रहे, यहां पे वेरिएबल एक्स है बना। तो इसके लिए आपको इसको एलसीएम लिया तो आया 16, के का डिवाइड किया के 8k = 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहां से, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, आप हो गए 16 - 8k = 24k² और इसको अगर पॉलीनोमियल में लिखना चाहिए तो 24k² + 8k - 16 = 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना है कि क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें देखो तीनों को अगर हम सेपरेट देखें तो सर इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 8 तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया 8 * 24 + k - 2 = 0, तो आ गया 3k² + k - 2 = 0। ये हमारा पॉलीनोमियल बन गया। अब इसमें से देखो आप लोगों ने फिर से माइंड लगाया कि सर ये 3k² + k - 2 = 0 है, तो 3 × 2 = 6, वो भी किसका, माइनस का, 2 और 3 फैक्टर हो गए। अब मुझे लाना क्या है, प्लस का 1 लाना है, तो प्लस का 1 लाने के लिए 3 प्लस का ले लेते हैं, -2 कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3k² + 3k - 2k - 2 = 0। बेसिक बात थी, ये दोबारा नहीं समझा सकते ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 3k, इन दोनों में से देखो तो क्या है, के बचा यहाँ पे, +1 बचा। अब इधर के रखना है तो -2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो ही प्लस का के बचेगा, और इधर प्लस का 1 = 0। के प्लस 1 दोनों में से फिर कॉमन आ गया, क्या बचा, 3k - 2 = 0। अब ये 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k + 1 = 0 और 3k - 2 = 0। के की वैल्यू यहाँ से आई -1 और यहाँ से 3k = +2, के की वैल्यू आ गई 2/3। ये क्या गई, के की टू वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 15 लेके चलते हैं फटाफट, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास टाइम है लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत सारे चैप्टर है और आर डी शर्मा कितनी बड़ी बुक है तो आपको ही पता है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, अल्फा बीटा है जीरोस इस पॉलीनोमियल के, सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, इसका मतलब क्या है, क्योंकि सर ये अल्फा बीटा पे डिपेंड है,
मतलब हमारे को के मिल सकता है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले लिखेंगे 2x² + 5x + k, लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, -b/a, तो -5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी c/a, तो k/2। अब आप कहोगे सर ये तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 21/k के। अब इतने का तो तुम्हें पता ही है, तुम क्या कहोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये किसकी जगह लिखा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी जगह लिखा है प्लस अल्फा बीटा बाहर है, 21/4 के इक्वल है। ये ध्यान रखना, देखो तुम्हें माइंड खुद लगाना पड़ेगा, अब तुम जब इनको सुन रहे हो समझ रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली माइंड लगने लग जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ही रखेंगे, -2 अल्फा बीटा + अल्फा बीटा = 21/4। ये दोनों सोल्व हो सकते हैं क्या, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा जल्दी से बताओ जल्दी से, यस माइनस के अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 21/4 के। अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5/2 का स्क्वायर -k/2 = 21/4, तो ये हो गया 25/4। इसको इधर लेके आते हैं तो -21/4, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा k/2। सोल्व करो, एलसीएम लिया 4, लोगे नहीं लोगे और कुछ लोगे 16 ले लो, तो यहाँ पे क्या है 25 - 21 = k/2। k/2 = 25 - 21 = 4/4, तो k/2 = 1, cross multiply k = 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये कैलकुलेशन समझो, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें आती है, यहां से कैसे स्टार्ट करना है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे तुम क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। बाकी लैंग्वेज में यहाँ पे नहीं लिखा तुम्हें भी पता है, बता चुका हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट थोड़ा सा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लेता है, तो वो तुम्हारे लिए तुम बुक से देख के लिख सकते हो, है ना। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी सर ये लैंग्वेज कैसे लिखी है, बाकी मैं बोलता तो रहता हूँ साथ साथ में, तो तुम उसको भी रिप्रेजेंट कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका तुम्हें वहां पे आंसर बता दूंगा, एक नया वीडियो बना के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 16, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो इज 40। क्या सम ऑफ स्क्वायर्स, अब क्यों डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट वे से बोल रहा है, ऑफ दिस इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उनका सम ऑफ स्क्वायर, तो इसके जीरोज क्या होंगे। आप कहेंगे सर ये अगर हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, तो आप जीरोज के लिए कहोगे अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, तो स्क्वायर हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर स्क्वायर, और इसके सम, सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर में आप कहोगे सर सम कर लो इनका, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। बहुत सिंपल है, आप इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से मुझे, --8/1। ये ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, माइनस फॉर्मूला का है, -b/a होता है, बी की वैल्यू -8 है, तो आप इसको कहोगे प्लस का 8 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी c/a, तो c है k, a की वैल्यू 1, तो वैल्यू हो गई k। ये समझना आप अच्छे से। अब यहाँ पे वापस आप क्या कहोगे सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के इक्वल है = 40। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, उसका स्क्वायर -2 × k = 40, 64 - 2k = 40। सेम कंडीशन है, इस 40 को इधर लेके आओ, 2k को उधर ले जाओ, तो 64 - 40 = 2k, 2k = 64 - 24 हो जाएगा। k की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे, 24 में 2 का डिवाइड कर दो सर, तो कितना आएगा 12, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 12। तो मैंने पिछले एग्जाम वीडियो में भी आपको कहा था कि कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू दिस, हाउ वी कैन सोल्व दिस, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो तुम्हें समझ में आ रही होगी बातें कि तुम कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे लास्ट एक टाइप 6 बचा है, टाइप 6, तो वो भी हम करने वाले हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है क्या, थोड़े टफ लग रहे हैं ना, चलो उनको भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। थैंक यू।